जो भी नए यूट्यूबर्स रहते हैं उनके पास एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, जो कि हर यूट्यूबर्स जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके पास प्रॉब्लम ये रहती ही है, इवन मेरे साथ भी रहती थी कि गाइज अगर मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो क्या इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है या फिर कोई कॉपीराइट अटेम्प्ट भी आ सकती है। और गाइज साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी कि जैसे जिनका कोई जो भी नए यूट्यूबर्स थे उनका अगर चैनल मोनिटाइज था तो वो इस बात पे कंफ्यूज रहते थे कि अगर मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो क्या ये वीडियो मोनिटाइजेशन के लिए इनेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो गाइज यूट्यूब ने इसी सब पे नज़र रखते हुए एक नया टूल्स को ऐड कर रही है हमारे क्रिएटर स्टूडियो पे। तो गाइज वीडियो में इन तक बने रहे, आगे हम बात करेंगे किस तरह से हम इस क्रिएटर स्टूडियो के नए टूल को यूज कर सकते हैं और किस तरह से हमें कॉपीराइट से या और भी बहुत चीज़ से किस तरह से हमें ये बचा सकता है। तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप इस चैनल पर रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर देना। तो हेलो गाइज, मेरा नाम आयुष है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर 18 गैजेट्स में। तो दोस्तों YouTube ने एक कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि वो जल्द ही हमारे क्रिएटर स्टूडियो में एक टूल ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है चेक्स। तो गाइज उस चेक्स की मदद से आप गाइज वीडियो को अपलोड करने से पहले ही जान जाओगे क्या इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या फिर आप ये वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल है या नहीं है। तो गाइज ये सब आप जान सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज कुछ दिन बाद आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी क्रिएटर स्टूडियो में। गाइज मैं एक बात आपको पहले ही बता दूँ कि गाइज चेक्स की अपडेट आने वाली है हमारे क्रिएटर टूल्स में, वो अभी फिलहाल कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए आएगी। तो गाइज अगर आपके पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप नहीं है तो आप गाइज सिंपली से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके उसे डेस्कटॉप मोड में चेंज करके आप इजीली से इस टूल्स को यूज कर सकते हो। किस तरह से हमें ये बचा सकती है किसी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम से। तो गाइज जब आपका वीडियो रेडी हो जाएगा एडिटिंग के बाद, जब आप वो वीडियो को अपलोड करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे गाइज जब आप अपना पूरा डिटेल्स को फिल कर दोगे, जो भी है टाइटल्स है डिस्क्रिप्शन है टैग्स है, जो पूरा उसे फिल करने के बाद गाइज वो आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा आपको चेक्स की। तो गाइज उस चेक्स पे आप क्लिक करोगे तो अप्रॉक्स आपको 2 से 3 मिनट वो आपको टाइम लेगा आपके वीडियो को रिव्यू करने का। और रिव्यू करने के बाद गाइज एक इंटरेस्टिंग बात, रिव्यू करने के बाद गाइज ये आपको ऑटोमेटिकली से ये बता देगा वीडियो अपलोड करने से पहले कि ये आपका जो वीडियो है वो कॉपीराइट क्लेम भी आ रही है इस वीडियो पे या किसी भी ये वीडियो आपका मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल है, ये सब आपको पहले ही बता देगा। तो समझ सकते हो गाइज ये कितना ही हेल्पफुल होने वाले हैं हम लोग के जैसे क्रिएटर्स के लिए। तो गाइज जब आप ये चेक्स पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे आपको एस्टिमेटेड टाइम आएगा आपके वीडियो के लिए कि कितना मिनट आपको ये रिव्यू के लिए आपको ये टाइम लेगा। तो जो भी ले वो अप्रोक्स से 3 मिनट आपको वो ले सकता है रिव्यू के लिए। तो गाइज जब आपको रिव्यू होके आ जाए, अगर बाई चांस आपके इस वीडियो पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो आप एक और ऑप्शन है आपको वहीं पे मिलेगी कि आप फिर से उसे रिव्यू कर सकते हो या उसे ही पहले ही आप उस वीडियो को आप एडिट करके उसे फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक जहां पे लग रही है उसे आप एडिट करके हटा सकते हो इरेज कर सकते हो। तो गाइज जल्द ही आपको ये आपके क्रिएटर स्टूडियो में देखने को ये मिल जाएगी। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी यूट्यूब के तरफ से। तो गाइज आई होप जितना जल्द हो सके ये अपडेट आ जाए हमारे क्रिएटर टूल्स में। एंड गाइज कुछ जब ये क्रिएटर स्टूडियो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप पे अपडेट आ जाएगी तो उस दिन बाद गाइज ये हमारे मोबाइल पे भी अपडेट आ जाएगी। तो गाइज आई होप कि जितना जल्द हो सके हमारे मोबाइल पर भी आ जाए और लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी आ जाए। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो गाइज प्लीज़ इस लाइक बटन को आप प्रेस कर देना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस अपडेट के रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, मैं 100% से उसे रिप्लाई आपको करूँगा और आंसर दूंगा आपका जो भी क्वेश्चंस है। अगर आपके पास कोई भी नेक्स्ट वीडियो का आइडिया है जो आपके मन में चल रहा है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आप वो भी पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊंगा। तो गाइज कैसा लगा मुझे वो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।